एनिस्काई आई यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस चैनल का हर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब में क्लिक करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑनलाइन फॉर्म के लिए जेपीईजी सिग्नेचर फाइल फोटोशॉप में कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्नेचर फोल्डर में मेरा स्कैन किया हुआ फाइल है, जिसमें सिग्नेचर स्कैन करके रखा है। इस फाइल से हम अपना ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिग्नेचर बनाएंगे। तो फोटोशॉप ओपन कर लिया, ओपन में जाइए, यहाँ से हम स्कैन फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब स्कैन फाइल का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे ताकि ओरिजिनल वाला ख़राब ना हो। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए टाइटल बार में हम राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ क्लिक करेंगे, अभी ओरिजिनल वाला हटा देंगे। ठीक, अभी इस फाइल में हम काम करेंगे। तो क्रॉप टूल में क्लिक कर लेते हैं, क्रॉप टूल, यहाँ हम 140 डालेंगे पिक्सल, 140 पिक्सल डालेंगे, 140 लिख के एक्स स्पेस देंगे, इसके बाद पी एक्स। ठीक है, अभी हाइट में दीजिए 60 एक्स स्पेस दे के पी एक्स। अभी रिजोल्यूशन देंगे 300। अगर मेमोरी साइज और बहुत कम करना चाहते हैं तो रिजोल्यूशन कम कर दीजिए, 72 तक कर सकते हैं। अगर मोबाइल से आप फोटो लिया है तो 72 ही रखिए रिजोल्यूशन, और 300 के बाद कुछ नहीं लिखना है। अभी यहाँ सिर्फ आपका एरिया सिलेक्ट करना है, जब सिलेक्ट हो जाएगा, सिग्नेचर सिलेक्ट हो जाएगा, तब राइट इस सिंबल में क्लिक करना है, राइट सिंबल में क्लिक करना है। अभी आपका सिग्नेचर बन गया है, इसे जूम करके देख लेते हैं। ओके, फाइल को थोड़ा व्हाइट करने के लिए अभी इमेज ऑप्शन में जाएंगे, इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ ऑटो कलर कर देते हैं, क्लिक ऑटो कलर। ओके, तो ब्लैक वाला चला गया। अभी इस फाइल को हम सेव करेंगे, तो जूम करके या जूम आउट करके देख लीजिए, इसे सेव करेंगे। सेव एज फाइल में जाके सेव एज में क्लिक करना है, और फॉर्मेट में जेपीजी रखना है, या कोई भी नाम डाल दीजिए अपना फाइल का, फॉर्मेट में जेपीजी रखना है, यहाँ क्लिक, अगर नहीं है तो यहाँ क्लिक करके जेपीजी सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद सेव में क्लिक करना है। इमेज ऑप्शन में देखिए क्वालिटी मीडियम हो रहे हैं, वैल्यू 6 हो रहे हैं। अब ज़्यादा करेंगे तो मेमोरी साइज़ ज़्यादा होगा, कम करेंगे तो मेमोरी साइज़ कम होगा, तो फिलहाल 6 रखते हैं। ओके, हो जाने के बाद आपका फोटो बन गया है, ये देख सकते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं, ये सिग्नेचर बन गया है। इसका मेमोरी साइज देख लेते हैं, ये डायमेंशन देखिए 140x60 और मेमोरी साइज 12.8 KB। ठीक है, यानी कि मेरा फोटो बन गया है। अगर मेमोरी साइज को और कम करना है तो फाइल में जाइए, दोबारा सेव कीजिए, सेवेज में क्लिक कीजिए, और यहाँ दूसरा फाइल नेम दे दीजिए, 2 लगा देते हैं लास्ट में, और फॉर्मेट को जेपीईजी रखना है, सेव में क्लिक करना है, इसके बाद क्वालिटी लो कर देते हैं, मैं 4 रखा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा प्लीज़।